प्रीवियस क्लास में हमने जो पढ़ा था आपका फंडामेंटल डेटा टाइप्स पढ़े थे आपके, ठीक है। उनकी इम्यूटेबल नेचर देखा था ने, वो याद होगा तुम्हें। अब उससे आगे और भी डेटा टाइप्स हैं, उनको डिस्कस करते हैं, ठीक है जी। जैसे हमारा एक डेटा टाइप है बाइट, किस नाम से? बाइट्स नाम से एक डेटा टाइप है, इसको पढ़ते हैं, ठीक है। आप कैसे लिखोगे? जैसे मैंने एग्जाम्पल लिया, सपोज एक्स इज इक्वल टू, ठीक है, इसको ऐसे लिखते हैं स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर। जैसे मैंने लिख दिया 10, 20, 30, 40, ये लिखा, ठीक है। अगर मैं इसका टाइप चेक करूं, टाइप चेक करूं एक्स का, तो क्या आप दिखा रहा है? लिस्ट दिखा रहा है, ठीक है। लेकिन हम इसको कन्वर्ट कैसे करें, जो आपका ये बाइट है इसको कन्वर्ट कैसे करें, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बाय डिफॉल्ट क्या दिखा रहा है ये? 10, 20, 30, 40, इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। इसको कन्वर्ट करेंगे किसमें? हम बाइट में। बाइट की जो रेंज होती है आपकी, बाइट को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं सिंपली, एक मिनट, बाइट की जो रेंज होती है, बाइट में ये जो एलिमेंट्स हैं इनकी मैं कुछ प्रॉपर्टी बता दूं। बाइट्स में जो भी हम एलिमेंट रख सकते हैं 256 तक रख सकते हैं मैक्सिमम, ठीक है। ये जो बाइट्स एरे है ये आपका ग्रुप ऑफ एरेज है, सॉरी ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स विच आर स्टोर्ड इन कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन। ये भी कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन में सिमिलर एरे की तरह होते हैं ये, ठीक है जी। आप इसको कन्वर्ट कैसे करेंगे? देखो, आपने देखा कि एक्स का जो टाइप है, एक्स का जो टाइप है क्या बता रहा है? लिस्ट बता रहा है। लेकिन हम इस लिस्ट को किस में कन्वर्ट करेंगे? बाइट में। कैसे? बी इज इक्वल टू बाइट्स, जिसको कन्वर्ट करना है, एक्स को कन्वर्ट करना है, ठीक है। अब अगर मैं बी का टाइप देखूं, बी का टाइप, टाइप ऑफ बी, तो आपका टाइप ऑफ बी क्या आ जाएगा? बाइट्स, ठीक है। इसे लेने का तरीका क्या है? आपको इस तरह से लेना है जैसे एरे लेते हैं, 10, 20, 30, 40, कुछ भी ले लो, जो भी तुम्हारी मर्जी है वो वैल्यू ले सकते हैं आप इसमें, ठीक है। अगर इस एक्स का टाइप देखें, एक्स का टाइप लिस्ट आएगा बाय डिफॉल्ट, है ना, जो स्क्वायर ब्रैकेट में होते हैं, जो स्क्वायर ब्रैकेट में होते हैं बाय डिफॉल्ट क्या कहलाते हैं? लिस्ट कहलाते हैं। लेकिन अगर आप इस लिस्ट को बाइट में कन्वर्ट करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? एक फंक्शन है हमारा बाइट्स, बाइट्स उसमें एक्स पास कर दो। जैसे ही एक्स पास करेंगे वो कन्वर्ट कर देगा उस पूरी लिस्ट को किसमें? बाइट्स में। और किसको असाइन कर दिया? बी को, बी को दे दिया। अब मैं बी का टाइप देखूं तो बाइट्स आएगा। बोले पॉइंट समझ में आया? नहीं, बोलो। ठीक है, देखो बाइट्स के अंदर सपोज मैंने कुछ इंपॉर्टेंट चीज देखते हैं। जैसे मैंने एक और ली लिस्ट, सपोज 124, 300, है ना, 222, 400, ये ली, सॉरी वाई इज इक्वल टू साइन बोल गए, 124 सपोज, 300, 400, 111 कुछ भी ले लो, ये ले लिया, ठीक है। अगर मैं टाइप देखूं, टाइप ऑफ वाई किस टाइप का आएगा बोलो? अगर वाई का टाइप देखूं, लिस्ट टाइप का दिखाएगा, ठीक है। अब मैं इसको किस में कन्वर्ट करना चाह रहा हूं? बाइट्स में। बाइट्स में किसको कन्वर्ट करना चाह रहा हूं? वाई को। क्या हो जाएगा ये? देखो एरर दे दी इसने, क्या कहा? बाइट्स मस्ट बी इन द रेंज ऑफ 0 to 256, मैक्सिमम 256 तक ले सकते हैं इसमें एलिमेंट, इससे बड़ा एलिमेंट अलाउड नहीं है। और हमने क्या ले रखा? 300, जो कि 256 से बड़ा है, 400 ये भी बड़ा है, तो इतनी बड़ी वैल्यू हम नहीं ले सकते, ठीक है। अगर मैं ये ऐसे लूं, 256, 256, 100, 100, और इसको कन्वर्ट करूं बाइट्स, ठीक है,
और असाइन कर दूं किसको, सपोज बी को, बी इज इक्वल टू टू फिफ्टी सिक्स, 256, एक मिनट, सिंटैक्स एरर दे रहा है 256। अब दोबारा चेक करते हैं, सपोज जेड, हम जेड लेते हैं, एक्सक्लूड करना होगा। हाँ सही कह रहे तुम, है ना, मैंने लिया जेड, एक मिनट, टाइप नहीं हो रहा। अब देखते हैं, जेड इज इक्वल टू, मैंने लिया 255, 255, 100 और 100, ठीक है, और इसको कन्वर्ट किया मैंने, बी इज इक्वल टू बाइक्स, जेड को कन्वर्ट किया इसमें, ये हो जाएगा, है ना। तो मैक्सिमम है 255, एक लास्ट का छोड़ के 256, है ना, उसको छोड़ के हम क्या कर सकते हैं, उसको कन्वर्ट कर सकते हैं इजीली, समझ में आया। तो मैक्सिमम रेंज होगी 0 to 256, यानी कि 256 को छोड़ के, क्लियर है। बोलो। अगर मैं चेक करूं b इज इक्वल टू 0 पे, क्या मिलेगा, b इज इक्वल टू 0 पे 256, b 0 पे हमारा क्या है, कौन सा एलिमेंट है, 256, ठीक है। क्या मैं बाइट एरे को मॉडिफाई कर सकता हूं? अच्छा, मैंने लिया -1, क्या -1 इसमें भी चलता है, स्ट्रिंग में तो चलता था, इसमें भी चलेगा। आपका -1 पे क्या है, यहां से चलता है -1, -2, -3, -4, ठीक है, और इधर से क्या चलता है, 0, 1, 2, 3, इस तरह से चलता है, इधर से 0 से चलता है, इधर माइनस से चलता है, क्लियर है। अब जैसे क्या मैं बी 0 पर एलिमेंट को मॉडिफाई कर सकता हूं, मैंने यहां पर एलिमेंट रख दिया सपोज 200, देखो एरर आ गई, क्यों एरर आई, हम जो एक बार लिस्ट बना दी आपकी, जो बाइट्स टाइप का जो भी डेटा टाइप था, उस बाइट टाइप का बना दिया, उसको हम चेंज नहीं कर सकते, मॉडिफाई नहीं कर सकते, क्लियर है। जो एक बार लिस्ट के अंदर एलिमेंट है आपको वही यूज कर सकते हो। अगर आप उसको मॉडिफाई करने की कोशिश करोगे, जैसे मैंने बी 0 पर मैं क्या रखना चाह रहा, 200, तो उसने क्या कह दिया, एरर दे दी कि ये पढ़ो, बाइट्स ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट, आपका आइटम असाइनमेंट यानी कि मॉडिफिकेशन अलाउड नहीं है। बोलो, समझ में आया नहीं? लिस्ट इम्यूटेबल हुआ, ठीक है, चेंज ही नहीं हो रहा है, इम्यूटेबल की बात नहीं है। अदरवाइज क्या, इम्यूटेबल में क्या होता कार्तिक है, अगर ये इम्यूटेबल होता तो एक नया ऑब्जेक्ट बन जाता, और उसी लिस्ट में आइटम क्या होता, 200, 256, और सॉरी 255, 100, 100, इम्यूटेबल भी नहीं है, वैल्यू चेंज नहीं होती, समझ रहे, इसमें सेपरेट ऑब्जेक्ट भी नहीं बनता, कॉन्स्टेंट हुआ, हाँ फिक्स हो गया है, ठीक है। इम्यूटेबल में कम से कम एक नया ऑब्जेक्ट तो बनता था उस चेंज के साथ, ठीक है। क्लियर है, देखो एक अलग दूसरा जो डेटा टाइप है आपका, एक है बाइट्स एरे, बाइट्स एरे के डेटा टाइप है, ये भी बिल्कुल उसके जैसा ही है, जैसा ही है ऊपर वाला, ठीक है, बाइट्स, लेकिन डिफरेंस क्या है इनमें, दोनों में डिफरेंस क्या है कि इसमें आप कितना बड़ा भी एलिमेंट रख सकते हैं बाइट्स एरे के अंदर, ठीक है। चलो ट्राई करते हैं, जैसे मैंने क्या लिया,
और इसमें हाँ, इसमें हाँ बाइट्स एरे के अंदर हम क्या करते हैं, मॉडिफिकेशन भी कर सकते हैं। देखो जैसे चेक किया मैंने, सपोज एक्स लिया, एक्स एक लिस्ट ली 10, 20, 30, 40, ठीक है। ये एक्स किस टाइप का, लिस्ट का, इसको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, बाइट्स, इसमें बाइट एरे में, किसमें कन्वर्ट करेंगे आप, बाइट एरे में, बाइट एरे में कन्वर्ट किया किसको, एक्स को, ठीक है। और एक्स का टाइप देखो, टाइप ऑफ बी, बी का टाइप देखो, सॉरी बी का टाइप क्या दिखाएगा, बाइट एरे, ठीक है। हमने क्या बताया, इसमें मॉडिफिकेशन हो जाएगा, बी इज इक्वल टू जीरो पर, सपोज मैंने रख दिया बी जीरो पर, रख दिया 100 रख दिया, ठीक है, चेंज हो गया। अगर मैं बी को प्रिंट कराऊंगा, बी को, बी, अब बी जीरो पे एलिमेंट देखो आपका, बी जीरो पे जो एलिमेंट है, बी जीरो पे एलिमेंट कितना है 100, और स्टार्टिंग में हम लेके चले कितना था 10, ठीक है। तो इसके अंदर क्या है, आप चेंज कर सकते हो, मॉडिफिकेशन अलाउड है, और बाइट एरे में मॉडिफिकेशन अलाउ नहीं है। समझ में आया नहीं पॉइंट ये, बोलो। अच्छा इसकी रेंज कितनी होगी, इसमें इसमें कितना बड़ा एलिमेंट रखेंगे, ठीक है। जैसे हमने फिर एक और लिया, y इज इक्वल टू, मेरे हिसाब से इसकी भी रेंज इतनी होती है 256 तक ही, 257, हाँ 257 रख के देखते हैं, और 40 रखते हैं। ये छोटी सी लिस्ट ली, इसको कन्वर्ट कर देते हैं बाइट एरे में, ठीक है। बाइट एरे में कन्वर्ट किया, बाइट एरे में कन्वर्ट किया किसको, वाई को, और किसको असाइन कर दिया, सपोज हमने असाइन कर दिया बी को, ठीक है, एंटर किया। हाँ इसकी भी रेंज इतनी होती है, ठीक है। बस इसमें डिफरेंस क्या हुआ दोनों में, इन दोनों में जो डिफरेंस हुआ कि मॉडिफिकेशन नॉट अलाउड, मॉडिफिकेशन नॉट अलाउड, ठीक है, और उसमें मॉडिफिकेशन क्या आपका अलाउड है बस। इसमें मॉडिफिकेशन अलाउड है, रेंज दोनों की वही है, इनकी रेंज आप 0 to 0 to 256, 256 को छोड़ के ले सकते हैं, ठीक है, 0 to 256 तक ले सकते हैं, ठीक है। ये पॉइंट समझ में आया दोनों में, सर डिफरेंस समझ में आया, बोलो। अच्छा मुझे ये बताओ, मेरा क्वेश्चन आप लोगों से थोड़ा ध्यान से देखना, मैंने y इज इक्वल टू 0 को भी एक्सक्लूड करना होगा, नहीं 0 को एक्सक्लूड नहीं करना, 0 रख सकते हैं, ठीक है। अब देखो जैसे मैंने y इज इक्वल टू, सपोज एक लिस्ट ली 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है, एक लिया b इज इक्वल टू, मैंने लिया बाइट एरे, इसमें मॉडिफिकेशन अलाउड है नहीं, बोलो, बाइट एरे में मॉडिफिकेशन अलाउ है नहीं, यस अलाउ है, ठीक है। अब आप इसकी आईडी देखो, किसकी, बी की, ये आईडी आई, ठीक है। अब मैंने क्या किया, बी में बी जीरो पर वैल्यू मैंने 10 कर दी, ठीक है। अब अगर मैं आईडी देखूं बी की, बी की अगर आईडी देखूं क्या होगी, सेम होगी या अलग होगी, अगर सेम हुई तो आपकी बाइट एरे क्या है, म्यूटेबल है, अगर अलग आई तो इम्यूटेबल है, समझे मेरी बात। ये देखो दोनों का क्या आ रहा है, आईडी क्या हो रही है, सेम है, यानी कि आप उसमें बी जीरो में कुछ चेंज कर रहे हो, यानी कि ये जो लिस्ट थी इस लिस्ट में अगर आप बाइट एरे में कुछ चेंज कर रहे हो तो चेंज करने पर वहीं पर चेंज हो रहा है, ठीक है, आईडी नहीं बदली है ना, तो इसलिए इसका नेचर क्या हुआ, इसको क्या बोलेंगे, म्यूटेबल हुआ, समझ रहे, क्या हुआ, म्यूटेबल, क्लियर है, बोलो। ठीक है, आप इसमें लूप भी लगा सकते हो, देखो कैसे लगाते हैं लूप, ये वैसे डिटेल में पढ़ेंगे हम लूप को भी, फॉर आई इन बी कॉलन
प्रिंट करा दो आपका आई। यहाँ पर लूप ऐसे चलता है, ठीक है। ये आगे 10, 2, 3, 4, 5, ये एलिमेंट्स ऐसे प्रिंट हो गए, लूप ऐसे लगेगा। यानी कि कहने का मतलब क्या है, बी इस लूप को हम कैसे रीड करेंगे, स्टार्टिंग यहां से होगी और इंटरनली वर्किंग है। B0 पर जो भी एलिमेंट है वो किसको दे दिया, आई को। वो प्रिंट क्या कराया, आई। आई की वैल्यू क्या थी, 10, 10 प्रिंट होगी। फिर दोबारा B1 पर जो भी एलिमेंट है, इंटरनल वर्किंग है, B1 पे जो भी एलिमेंट है वो किसको दे दिया, आई को। B1 पर एलिमेंट क्या है, 2, तो यहाँ पर 2 प्रिंट हो गया। फिर B2 पर क्या एलिमेंट है, B2 पर क्या आपका 3, किसको दे दिया, आई को, ठीक है, प्रिंट करा दिया। इस तरह से लूप चलता है, क्लियर है। बोलो। फिर बाइट म्यूटेबल और इम्यूटेबल। बाइट आपकी ना इम्यूटेबल है, कॉन्स्टेंट है, फिक्स्ड है, उसमें नया थोड़ी बन रहा है, उसमें मॉडिफिकेशन ही नहीं हो रहा। म्यूटेबल और इम्यूटेबल का कॉन्सेप्ट तभी है अगर आप एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट्स में, जो पहले से मौजूद ऑब्जेक्ट है, अगर आप उसमें कुछ चेंज कर रहे हो और चेंज ना हो के एक नया ऑब्जेक्ट बन रहा है और वो चेंज वहां पर हो रहा है, ठीक है, समझा। आईडी बाइट में सेम नहीं आ रही, उसमें मॉडिफिकेशन ही नहीं हो रहा, आप गलत कर रहे हो कार्तिक है, उसमें मॉडिफिकेशन नहीं हो रहा। मॉडिफिकेशन होगा तभी तो एक नया बनेगा, नया ऑब्जेक्ट, और जब नया ऑब्जेक्ट बनेगा तो उसकी आईडी होगी, तो वो आईडी, वो आईडी, समझ रहे। गुड। समझ आया भाई इतना। ठीक है, अब बात करते हैं लिस्ट डेटा टाइप। ठीक है, लिस्ट क्या है, देखो लिस्ट की कुछ प्रॉपर्टी है ना, ध्यान से सुनना। लिस्ट के अंदर इंसर्शन ऑर्डर प्रिजर्व्ड रहेगा, मतलब जिस ऑर्डर में आपने एलिमेंट रखे हैं आपको उसी ऑर्डर में एलिमेंट मिलेंगे। सपोज 0 पोजीशन पे आपने 10 रखा, 1 पोजीशन पे 20 रखा है ना, और 2 पोजीशन पे 30 रखा, तो जो भी एलिमेंट्स आपने रखे हैं वो उसी ऑर्डर में आपको मेमोरी में सेव रहेंगे आपके। सपोज ये आपका एरे है, ठीक है, इसके अंदर मैंने एलिमेंट रख देता हूँ, ये है सपोज, ये मैंने 10 रखा, 20 रखा, ठीक है, सपोज 30 रख दिया, 40 रखा, ठीक है, यहाँ पर 50 रख दिया सपोज, ठीक है। इंसर्शन ऑर्डर प्रिजर्व्ड का क्या मतलब है कि आपकी जो इंडेक्स है 0, 1, 2, 3, गेट बंद कर दे, 3, 4, ये एलिमेंट्स मैंने रख दिए यहाँ पर, 0, 1, 2, 3, 4, ठीक है। अगर मैं आपको पूछूं कि 1 पर क्या है, 20, आप जब भी कभी भी इसे एक्सेस करोगे 1 पर आपको 20 मिलेगा है ना, 2 पर 30 मिलेगा, 3 पर 40 मिलेगा, यानी कि आपने ऑर्डर क्या रखा है इनका, इनका ऑर्डर प्रिजर्व रख रखा है, यानी मेमोराइज कर रखा है, यानी कहीं ना कहीं स्टोर कर रखा है कि वो एलिमेंट आपको उसी लोकेशन पर मिलेगा, ठीक है जी। ये तो लिस्ट की सबसे पहली पहचान क्या हुई, इंसर्शन ऑर्डर इज प्रिजर्व, यानी कि अब नया एलिमेंट जो आएगा ना, नया एलिमेंट जो आएगा वो 5th लोकेशन पे आएगा, यहाँ पर आएगा 5th लोकेशन पर, ठीक है। हाँ, मतलब एक के बाद एक आएगा जिस ऑर्डर में है, यानी कि कहीं भी बीच में रख देंगे, ऐसा अलाउड नहीं है लिस्ट के अंदर, इसको बोलते हैं इंसर्शन ऑर्डर प्रिजर्व। दूसरा, हिट्रोजीनियस ऑब्जेक्ट अलाउड है इसके अंदर। हिट्रोजीनियस से मतलब क्या है कि आपने 10 रखा इंटीजर टाइप का, दूसरी एक वैल्यू रख दी, सपोज तुमने यहाँ पर एक एलिमेंट 20 की जगह रख दिया, सपोज तुमने कुछ और एलिमेंट रख दिया, जैसे आपने फ्लोट रख दिया है ना 10.5, तो ये देखो ये 10 तो इंटीजर है और 10.5 आपका फ्लोट है, ठीक है, और जैसे मैंने यहाँ पर रख दिया, ये कोट्स लगा दिए, ये तो ये किस टाइप का है, स्ट्रिंग टाइप का, तो स्ट्रिंग भी अलाउ है आपकी, समझ रहे। ये देखो, तो लिस्ट के अंदर हिट्रोजीनियस
ऑब्जेक्ट्स आर अलाउड, हिट्रोजीनियस ऑब्जेक्ट्स हैं ये, इंटीजर, ये आपका फ्लोट, ये स्ट्रिंग, ये इंटीजर इंटीजर। तो जिसमें हिट्रोजीनियस अलाउड हो उसे हम क्या कहेंगे, आपकी लिस्ट कहेंगे। अंकुल क्या पूछ रहे हैं, म्यूटेबल होना चाहिए सर, ये कौन सा, किसे कह रहे हैं अंकुल? चलो कोई बात नहीं, ठीक है। यहाँ देखो थोड़ा आगे, तो लिस्ट की जो लिस्ट में क्या है, इंसर्शन ऑर्डर प्रिजर्व्ड होता है। दूसरा, लिस्ट के अंदर हिट्रोजीनियस अलाउड है, डुप्लीकेट्स अलाउड नहीं है, डुप्लीकेट्स अलाउड नहीं है इसके अंदर बिल्कुल भी, और ना ही ये क्या जो है ग्रोएबल इन नेचर, मतलब आप इसका साइज बाद में बढ़ा भी सकते हो घटा भी सकते हो अपनी अपनी जरूरत के हिसाब से, लिस्ट की प्रॉपर्टी बता रहा हूँ। तो लिस्ट में क्या क्या बताया मैंने, इंसर्शन ऑर्डर प्रिजर्व्ड, हिट्रोजीनियस ऑब्जेक्ट्स आर अलाउड, डुप्लीकेट्स आर अलाउड। डुप्लीकेट से मतलब है कि यहाँ पर जैसे टेन है तो मैं यहाँ पर टेन और रख सकता हूँ, टेन दोबारा भी आ सकता है, मतलब डुप्लीकेट अलाउ है, ठीक है। ग्रोएबल इन नेचर, ग्रोएबल इन नेचर का मतलब क्या है कि इसका साइज मैं अपने हिसाब से कम भी कर सकता हूँ और बढ़ा भी सकता हूँ, उसके लिए कुछ फंक्शंस बनाए गए इसमें ऐड एंड रिमूव करके, वो देखेंगे हम, ठीक है। इसमें भी जो इंडेक्स चलती है इधर से 0 से चलती है और इधर -1 से चलती है, -1 -2 -3 इस तरह से चलती है इसमें इंडेक्स, ठीक है। बोलो जितने पॉइंट मैंने बताए समझ में आए नहीं? इंसर्शन ऑर्डर प्रिजर्व्ड, हिट्रोजीनियस अलाउड, डुप्लीकेट्स आर अलाउड, ग्रोएबल इन नेचर, ठीक है। वैल्यू शुड बी एनक्लोज विद इन स्क्वायर ब्रैकेट, और वैल्यू कहाँ स्टोर होगी तो सबसे पहले बता दिया था मैंने, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर। तो जितने मैंने पॉइंट बताए उनको टेस्ट करते हैं। सपोज मैंने एक लिस्ट ली, एल इज इक्वल टू, ये स्क्वायर ब्रैकेट लग गए, स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब ये लिस्ट है, इस लिस्ट हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट में होगी, ठीक है। तो मैंने क्या लिया, इस पर टेन लिया, सपोज ओम लिया, 10.5 लिया, ठीक है। एक वैल्यू 20 ली, 30 ली, ठीक है। हिट्रोजीनियस अलाउड है, बोलो हिट्रोजीनियस क्या है, अलाउड है, यस। इसका टाइप देखो, टाइप टाइप ऑफ एल, इसका टाइप आ गया लिस्ट, ये लिस्ट टाइप का है, ठीक है। तो पहला एक पॉइंट मैंने बताया था कि इसमें इंसर्शन ऑर्डर क्या है, प्रिजर्व्ड है। जैसे मैं चाहे 10 बार प्रिंट करा लूं, ए 0 पर, एल 0 पर, मुझे क्या मिलेगा, 10 ही मिलेगा। दोबारा फिर चेक कर रहा हूं, ठीक है, एल 0 पे मुझे क्या मिलेगा, 10 ही मिलेगा, है ना। एल एल 1 पर मुझे क्या मिलेगा, ओम मिलेगा। दोबारा एल 1 पर अगर मैं चेक करूं तब भी मुझे ओम ही मिलेगा, ठीक है। तो इंसर्शन ऑर्डर क्या है इसमें, प्रिजर्व्ड है। डुप्लीकेट्स आर अलाउड है, एक डुप्लीकेट्स भी करके देख लेते हैं इसको, अच्छा मॉडिफिकेशन करके देखते हैं, मॉडिफिकेशन कर सकते हैं या नहीं बोलो? हाँ मॉडिफिकेशन भी कर सकते हैं। अच्छा अगर मैं तुमसे पूछूं एल -1 पर क्या प्रिंट होगा, एल -1 पे, हाँ फिफ्टी, 50 कहाँ से आ गया, 30 है ना, 50 तो है नहीं ना इसमें, 30, ओके ठीक है। क्या स्लाइसिंग इसमें भी चलती है, स्लाइस ऑपरेटर, ये होता है आपका स्लाइस ऑपरेटर, बताया था इसमें स्लाइसिंग चलती है। जैसे मैंने 1 और 3 लिया, बोलो क्या प्रिंट होगा, वन और थ्री, वन और थ्री, सॉरी एल एल लिखना था ना, 1, ये कॉलन 3, हाँ ये आ गया। 1 पर देखो क्या है,
ये इंडेक्स क्या है, 0, 1, 2, 3। तो मैंने कहां से कहां तक लिया, यहां से 1 और यहां तक, 3 को छोड़ के। ये जब मैंने स्लाइस ऑपरेटर बताया था उसमें 3 नहीं लेते, ठीक है, याद है। अंकुल समझ में आया? देखो अगर मुझे लिस्ट में कुछ जोड़ना है, जैसे एल है इसमें, लिस्ट में जो आपकी लिस्ट है एल, अगर इसमें मैं एल, एल इज इक्वल टू, एक वो फंक्शन होता है इसके अंदर अपेंड, अपेंड ये लिस्ट खुल जाती है, अपेंड, अपेंड किया मैंने, सपोज कोई भी वर्ड जोड़ लेते हैं, जैसे मैंने एक स्ट्रिंग और है ना, सिवा वर्ड जोड़ दिया सपोज, क्या जुड़ जाएगा? बिल्कुल, अगर आप एल को प्रिंट कराएंगे है ना, अगर आप लिस्ट को देखना चाह रहे हैं कि लिस्ट में एलिमेंट क्या है, मैंने फोर लूप लगाया, फोर आई इन एल कॉलन प्रिंट, अभी रट लो, आई को प्रिंट कराया, ये देखो सिवा ऐड हो गया, बोलो। तो हमारा साइज क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, एक एलिमेंट हमने बाद में जोड़ दिया, तो हमारा ये क्या है, ग्रोएबल भी है नेचर में, ठीक है, रिमूव भी कर सकते हो। जैसे आपने लिस्ट जो आपकी एल है, एल में से रिमूव कर दिया, रिमूव किया कौन सा, 20, समझ रहे, 20 रिमूव किया, 20 रिमूव हो जाएगा। अगर मैं फिर दोबारा फोर लूप लगा के आई इन एल देखूं, प्रिंट आई, तो आपका क्या प्रिंट हो जाएगा, देखो अब इसमें से क्या हुआ, 20 रिमूव हो गया, यानी कि हम लिस्ट के एलिमेंट डिलीट भी कर सकते हैं और रिमूव ऐड भी कर सकते हैं इसके अंदर, ठीक है जी। अच्छा एक चीज बताओ, जैसे अब इसकी इम्यूटेबिलिटी चेक करते हैं, म्यूटेबल है म्यूटेबल है, ठीक है, जैसे कैसे चेक करेंगे, हम पहले इसकी आईडी चेक कर लेते हैं, एल की आईडी चेक करी, एल की आईडी ये आ रही है, ठीक है। अभी इसे एल के अंदर हम अपेंड कर देते हैं, एक एलिमेंट अपेंड कर देते हैं सपोज 200, तो कहां पर अपेंड होगा ये, लास्ट में। अब इसकी आईडी चेक करते हैं, ठीक है, मॉडिफिकेशन करने से पहले आईडी ये थी, लिस्ट के अंदर मॉडिफिकेशन करने से पहले आईडी ये थी, अब मॉडिफाई कर दिया उसमें एक और एलिमेंट जोड़ दिया है ना, यानी कि लिस्ट चेंज होगी, ठीक है। अब इसकी आईडी सेम आएगी या डिफरेंट आएगी, चेक करो क्या है, दोनों सेम है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका नेचर क्या हुआ, म्यूटेबल या इम्यूटेबल, हाँ म्यूटेबल हुआ, ठीक है जी, गुड, समझ आया। अब देखो इसमें कुछ और देखते हैं, अगर आप एल को प्रिंट कराना चाह रहे हैं, डायरेक्ट ऐसे भी प्रिंट करा सकते हैं, एल लिखो इस तरह से प्रिंट करा सकते हैं, ये स्क्वायर ब्रैकेट में आएगा, तो लिस्ट हमारी हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट में होती है, ठीक है। आपने क्या किया, एक लिस्ट है L1, L2 इज इक्वल टू L इंटू 2, ठीक है किया, और L2 अगर मैं प्रिंट कराऊं तो देखो क्या आएगा, ये जो एलिमेंट्स थे ये रिपीट हो गए, 2 का मतलब 2 बार रिपीट हुए, यहाँ पर देखो ये यहाँ तक, फिर उसके बाद यहां से यहां तक का रिपीट हो गए, तो आप मल्टीप्लाई जो आप लिस्ट में अगर 2 से मल्टीप्लाई करती हो तो जितने भी एलिमेंट्स हैं वो उसमें ऐड हो जाएंगे, इससे क्या पता लग रहा है कि डुप्लीकेट्स आर अलाउड, लिस्ट के अंदर क्या है, डुप्लीकेट्स अलाउड है। 10 और ओम के बीच में लिख सकते हैं कुछ, इसमें मॉडिफिकेशन करोगे ना दिक्कत रहेगी आपको, इसमें जो इंसर्शन ऑर्डर है ना लास्ट में ही ऐड कर सकते हो, न्यू एलिमेंट नहीं आए, खाली नहीं रहेगी, आपका शिफ्ट हो जाएगा, एलिमेंट से शिफ्ट हो जाएंगे, ठीक है। जैसे तुमने कहा कि एल है, एल के जो एलिमेंट्स हैं सपोज 10 ओम, 10.5, इसमें बताओ कौन सा रिमूव करना है, ये लोकेशन क्या है, 0, 1, 2, 3, 3 पे कितना है, 30, इसको रिमूव करते हैं, तो एल में हमने क्या किया, रिमूव किया, रिमूव 30 रिमूव किया सपोज,
30 रिमूव कर दिया, और एल को अब चेक करो, है ना। अब एल कहां से रिमूव किया था, थ्री से, थ्री पे एलिमेंट देखो क्या है, शिवा। अब शिवा आ गया उसकी जगह थ्री पर, समझ रहे, 0 1 2 3, थ्री पर भी आ गया एलिमेंट, शिफ्टिंग हो जाती है, समझ रहे। ठीक है, जैसे आप बीच में कुछ आप इंसर्ट करना चाह रहे हो, ए 2 पर कितना है, 10.5 है, ए 2 पर कितना है, 10.5 है, मैं इसको करना चाह रहा हूँ 11.22। ठीक है, ये देखो क्या हुआ आपका, सॉरी ये गलत ले लिया, एल एल 2 पर हमने कितना रख दिया, 11.22। ठीक है, अब एल को प्रिंट कराया तो वो एलिमेंट आपका चेंज हो गया, रिप्लेस नहीं हुआ, समझ रहे, बोलो समझ आया। इन सर्च, चलो मेरे कुछ क्वेश्चंस हैं, आप ट्रू और फॉल्स बताना। ठीक है, स्टार्ट। इंसर्शन ऑर्डर प्रिजर्व्ड इन लिस्ट, चलो गुड। म्यूटेबल, म्यूटेबल है, गुड। होमोजीनियस, होमोजीनियस फॉल्स है ना, हिटरोजीनियस है, इसमें दूसरे तरह के अलाउड है। ठीक है, डुप्लीकेट्स आर अलाउड, क्लियर है, लिस्ट क्लियर है आपके, लिस्ट के बारे में समझ में आया। अब पढ़ते हैं टपल्स, टपल्स क्या है, एग्जैक्टली सेम एज लिस्ट, बिल्कुल लिस्ट के जैसा है, बस डिफरेंस क्या है म्यूटेबल और इम्यूटेबल का। ये इंटरव्यू का क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लिस्ट एंड टपल्स, समझ रहे, टपल्स और लिस्ट में डिफरेंस क्या है। सबसे पहला डिफरेंस, आपकी जो लिस्ट है म्यूटेबल है और आपकी जो टपल्स है इम्यूटेबल है, हम उसमें कैन नॉट चेंज वैल्यू, कैन वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते। ठीक है जी, और आपके जो टपल्स आएंगे स्मॉल पैरेंथेसिस के अंदर आएंगे, ना कि स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर। ठीक है, जैसे आपको एक टपल लेना है, टी टपल लेना है, तो आपको ये वाले ब्रैकेट लगाने पड़ेंगे, सॉरी ये वाले ब्रैकेट लगाने पड़ेंगे, इसमें ले लो 10 20 30 40, अगर स्क्वायर ब्रैकेट में लोगे तो यही लिस्ट बन जाएगी, है ना। अगर मैं टाइप देखूं, टाइप ऑफ टी, सॉरी टाइप ऑफ टी, ये किस टाइप का बता रहा है, टपल टाइप का बता रहा है, क्लियर है। दूसरा, अगर मैं इसको इसमें मॉडिफाई करने की कोशिश कर रहा हूं, टी इज इक्वल टू 0 पर मैं क्या रखना चाह रहा हूं, 100। ठीक है, ये क्या हो रहा है, मॉडिफाई नहीं हो रहा है, समझ रहे, तो ये क्या हुआ आपका, इम्यूटेबल हुआ, इसमें चेंज ना हो सके। आप इसमें से अपेंड करके देखो, जैसे मैंने अपेंड किया, क्या मैं इसमें अपेंड कर सकता हूँ, टी डॉट अपेंड, अपेंड करना चाह रहा हूँ 100। ठीक है, इसमें अपेंड नहीं होगा, अपेंड सा मतलब उसमें चेंज कर रहे हैं, है ना। तो चेंज जैसे ना तो आप रिमूव कर सकते, ना आप डिलीट कर सकते, और ना ही आप ऐड कर सकते, क्लियर है या नहीं। ठीक है, अब बात करते हैं आपकी, एक नया डेटा टाइप है रेंज डेटा टाइप, कौन सा, रेंज डेटा टाइप, रेंज। ठीक है, इसको पढ़ते हैं, इंपॉर्टेंट है ये, आगे पाइथन में आगे जब मशीन लर्निंग वर्निंग पढ़ोगे तो वहां पर बहुत यूज है इसका। ठीक है,
देखो, द एलिमेंट प्रेजेंट इन रेंज डेटा टाइप इज आर नॉट मॉडिफाइबल, मॉडिफाई नहीं हो सकते। रेंज डेटा टाइप इज इम्यूटेबल, जिसको मॉडिफाई नहीं हो सकता वो क्या है? इम्यूटेबल है। ठीक है, अब इसमें जैसे मैंने एक लिया रेंज, रेंज ली 10। ठीक है, तो ये आपका इसकी जो रेंज बता रहा है कहाँ से दिखा रहा है, 0 to 10। लेकिन इसमें हमें 10 को क्या करना है, छोड़ना है। तो रेंज जो हुई है हमारी 0 to 9 होगी, एक लास्ट का छोड़ के। पूरी पाइथन में ना हर जगह यही चलता है, लास्ट का एलिमेंट छोड़ना पड़ता है। ठीक है, किसी की भी रेंज हो। तो रेंज क्या है, एक डेटा टाइप है। सपोज मैंने ले लिया एक्स इज इक्वल टू रेंज 20। ठीक है, और एक्स का टाइप देखा, टाइप ऑफ एक्स देखा, तो क्या आएगा, एक्स किस टाइप का दिखा रहा है, रेंज टाइप का दिखा रहा है। ठीक है, ये रेंज कहां से दिखाएगा आपकी, 0 to 20 तक दिखाएगा। यानी कि आपकी जो रेंज दिखाएगा ये आपकी रेंज दिखा देगा कहां से कहां तक, ये रेंज दिखा देगा आपकी 0 to 19 तक, मतलब सारे एलिमेंट 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन कहां तक, 19 तक। ठीक है, ये आपका दिखा देगा। ठीक है, ये तो मैंने ऐसे लिखा, कभी से समझो कुछ हुआ है, क्लियर है। जैसे अब इसको हम लूप में यूज कर सकते हैं। सपोज जैसे आपने लिया रेंज एक्स, लिया एक्स इज इक्वल टू रेंज ली आपने कहाँ से, स्टार्टिंग ले ली, 0 से स्टार्ट होता है, और आपका जैसे 12 ले लिया, 0 to 11। ठीक है, अगर मैं एक्स को प्रिंट कराऊं, फिर फोर लूप लगाओ, सारे एलिमेंट्स किसके अंदर है, एक्स के अंदर है, किसके अंदर देंगे, आई में, आई इन एक्स, और प्रिंट करा देंगे क्या, प्रिंट, प्रिंट कराया एक्स। ठीक है, एंटर, देखो ये क्या प्रिंट करा रहा है, सॉरी हमें जो प्रिंट कराना था, क्या प्रिंट कराना था, आई प्रिंट कराना था। मैं दोबारा लिखते हैं, फोर आई इन एक्स प्रिंट, हमने प्रिंट कराया आई। एलिमेंट्स कहाँ तक प्रिंट करेगा, 0 to 11 प्रिंट करेगा, 12 नहीं प्रिंट करेगा आपका ये। ठीक है, समझ रहे, नहीं बोलो। ठीक है, रेंज यानी कि जब आप ऐसे लिखोगे एक्स इज इक्वल टू, इसमें एक और तरीका है रेंज बनाने का, आपने रेंज बता दी, रेंज आप स्टार्टिंग कहां से करना चाह रहे हैं, 10 से 20 तक। ठीक है, और मैं फोर लूप लगाऊं, फोर लूप फोर आई इन एक्स प्रिंट, प्रिंट कराया मैंने आई को, तो कहां तक प्रिंट होंगे, कहां से स्टार्ट होंगे बोलो। स्टार्टिंग कहां से होगी, स्टार्टिंग 10 से 11 से। हाँ, ये 10 से स्टार्ट हुए है ना, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19 तक। ठीक है, 19 तक आपके प्रिंट हो जाएंगे सारे के सारे। ठीक है, एक छोड़ के लास्ट का छोड़ना पड़ता है एलिमेंट। ठीक है, अगर मैं एक्स का टाइप देखूं, एक्स किस टाइप का आएगा, एक्स का टाइप, टाइप ऑफ एक्स, एक्स का टाइप क्या आएगा, रेंज है ना, ये रेंज टाइप का आ जाएगा। ठीक है, इसमें अगर आप रेंज किसी किसी और तरीके से बनाना चाह रहे हो, जैसे मैंने एक्स इज इक्वल टू, एक तरीका हो रहा है रेंज, आपने स्टार्टिंग पोजीशन बता दी 10 और लास्ट की पोजीशन बता दी 15 और उनमें स्टेप्स बता दिए 3, यानी कि तीन तीन के गैप्स है। ठीक है, और मैंने फोर लूप लगाया, आप मुझे बताओ क्या आउटपुट आएगा, फोर आई इन एक्स प्रिंट कराया, प्रिंट कराया मैंने एक्स को, बोलो। तीन तीन के स्टेप्स पे आएंगे, पहले दो आउटपुट बताओ, 10, 13, सॉरी हमें प्रिंट कराना था आई, बार बार गलती कर रहे हैं, फोर आई इन एक्स प्रिंट आई, तो कहाँ तक प्रिंट होंगे, 10, 13, ठीक है, 16, 19, 49 तक। ठीक है, तो इसमें आप तीन पैरामीटर भी पास कर सकते हो, ये देखो
ठीक है, तो रेंज जो है, रेंज एक तरह से फंक्शंस है प्रीडिफाइंड, उसमें एक पैरामीटर पास करेंगे। अगर एक पैरामीटर पास करते हैं, सपोज रेंज में हमने क्या किया, एक पैरामीटर पास किया, तो कहाँ से स्टार्ट होगा, ये स्टार्ट होगा 0 से 9 तक। अगर मैं इसमें और कोई पैरामीटर पास करता हूँ, दो पैरामीटर पास करते हैं, सपोज रेंज मैंने पास किया 5 से 10 तक, तो ये कहाँ तक प्रिंट करेंगे आपका, ये प्रिंट करेंगे 5 to 9 तक प्रिंट करेंगे। ठीक है, इसी तरह से आप अगर तीन पैरामीटर पास करोगे, इसके अंदर हम तीन पैरामीटर पास करेंगे, रेंज स्टार्टिंग पोजीशन बता दी, ठीक है, और लास्ट पोजीशन बता दी, और स्टेप्स बता दिए 2, यानी कि दो दो की बढ़ोतरी, तो थर्ड थर्ड ये दो दो का इंक्रीमेंट करेगा इसके अंदर, समझ रहे? रेंज समझ में आया? हाँ ठीक है। अगर मैं तुमसे पूछूं कि एक्स के 0 पर क्या है, एक्स 0 पर क्या है, आपको क्या बताएगा, ये टेन टेन बताएगा, ठीक है। एक्स -1 पर क्या है, -1 पे बोलो, गुड, 49, ठीक है, 49 आ जाएगा आपका, ठीक है जी। तो आज मैंने जो तुम्हें डेटा टाइप्स बताए, बाइट, बाइट्स एरे, लिस्ट, टपल, रेंज, ये पांच डेटा टाइप्स बताए, इंपॉर्टेंट है ना, पांच फंडामेंटल डेटा टाइप्स पिछली जो मैंने क्लास थी उसमें बताए थे आपको, तो टोटल 10 हो गए। टोटल है कितने हैं, टोटल कितने हैं डेटा टाइप्स, फोर्टीन। ठीक है, ये आपके डेटा टाइप्स हैं। अब इसमें आपके तीन चार और बचते हैं, इनको देखेंगे हम कल, इसमें बताओ कोई डाउट हो तो कल पढ़ेंगे। कल मैं तुमसे पूछूंगा लिस्ट, टपल्स और रेंज में डिफरेंस क्या है, बाइट और बाइट एरे में क्या है, ठीक है, समझ आया था ना?